गाजर के जूस के फायदे और नुकसान। गाजर के जूस में कई लाभकारी गुण होते हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने का काम कर सकते हैं। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि गाजर का जूस किसी बीमारी का इलाज नहीं है। यह शारीरिक समस्याओं के लक्षण को दूर करने के साथ ही बीमारियों से बचाव में सहायक भूमिका निभा सकता है। चलिए अब हम आपको वीडियो में बताते हैं गाजर के जूस के फायदे और नुकसान। 1. कैंसर से बचाव। गाजर का जूस पीने के फायदे कई हैं। माना जाता है कि इसके सेवन से कैंसर से बचा जा सकता है। दरअसल गाजर में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है जो कैंसर के जोखिम को दूर रख सकता है। साथ ही गाजर प्रोविटामिन के उच्च स्रोतों में से एक है। यह रजोनिवृत्ति के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरे को कम कर सकता है। साथ ही इसे धूम्रपान करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम हो सकता है। ध्यान दें कि यह एक गंभीर बीमारी है, इसके इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। 2. आँखों के लिए। आँखों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए गाजर के जूस का सेवन किया जा सकता है। गाजर का जूस शरीर में विटामिन ए की पूर्ति कर दृष्टि क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकता है। गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गाजर आंखों के लिए अच्छा होता है। 3. मधुमेह में राहत। गाजर के जूस का उपयोग डायबिटीज की समस्या में भी लाभकारी हो सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो गाजर के रस में एंटी डायबिटिक प्रभाव होता है। यह प्रभाव रक्त शुगर के स्तर को कम करके मधुमेह से राहत दिला सकता है। गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से बचने के लिए भी आहार में गाजर का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मधुमेह से राहत पाने में गाजर का रस सहायक साबित हो सकता है। 4. गर्भावस्था में लाभदायक। माँ बनने से पहले गर्भावस्था में खानपान का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दौर में गाजर के जूस के फायदे भी होते हैं, इसलिए इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है। बताया जाता है कि गाजर का जूस गर्भावस्था में मधुमेह से बचाव कर सकता है। साथ ही इस दौरान महिला का वजन सही होना जरूरी है, इसलिए गर्भावस्था में जिनका वजन कम होता है डॉक्टर उन्हें गाजर का जूस पीने की सलाह दे सकते हैं। इसके लिए जूस में पाए जाने वाले विटामिन सी और बीटा कैरोटीन को फायदेमंद माना जाता है। 5. कोलेस्ट्रॉल। गाजर के जूस का उपयोग करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रोजाना नाश्ते में गाजर का सेवन करने से 11% तक सीरम कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। बताया जाता है कि गाजर में मौजूद कैल्शियम शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होने वाले उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। 6. हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी गाजर के जूस का सेवन बेहतर होता है। गाजर का रस पीने से कुल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में वृद्धि होती है और लिपिड पेरोक्सीडेशन लिपिड के ऑक्सीडेटिव में कमी आती है। इससे हृदय रोग के जोखिम को दूर कर हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम भी एक अहम भूमिका निभाता है और शरीर में पोटेशियम की पूर्ति गाजर या गाजर के जूस के जरिए हो सकती है। 7. पाचन में सुधार। खराब पाचन से परेशान लोगों को गाजर का जूस पीने के फायदे हो सकते हैं। गाजर के जूस में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। शरीर में फाइबर पहुंचकर लैक्सेटिव इफेक्ट दिखता है जो पाचन को बेहतर करने में सहायक हो सकता है। बताया जाता है कि इससे कब्ज जैसे पाचन संबंधी परेशानी से राहत मिल सकती है। 8. वजन घटाने के लिए। वजन घटाने के लिए भी गाजर के जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइबर का सेवन पेट को ज्यादा समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है और अतिरिक्त खाने की आदत में सुधार लाकर वजन नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। गाजर के जूस के नुकसान। गाजर का जूस पीने के फायदे जिस तरह होते हैं उसी तरह गाजर के जूस के नुकसान भी हो सकते हैं। इससे जुड़े कुछ संभावित नुकसान की सूची में ये शामिल हैं। प्रिजर्व करके रखे गए गाजर के जूस से बोटुलिज्म नामक पॉइजनिंग बीमारी हो सकती है जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के डिब्बाबंद जूस में पनप सकते हैं। गाजर के जूस से कुछ संवेदनशील लोगों को एलर्जी की समस्या हो सकती है। गाजर के जूस का अधिक सेवन करने से इसमें मौजूद कैरोटीन के कारण त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। बेशक स्वस्थ रहने के लिए गाजर के जूस फायदेमंद होता है, लेकिन इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में बिल्कुल न करें। इससे गाजर के जूस के नुकसान हो सकते हैं।
साथ ही इस बात पर भी गौर करें कि गाजर के जूस के फायदे पाने के लिए जीवन शैली में संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि को शामिल करना भी जरूरी है। इससे फिट रहने में मदद मिलेगी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कई जरूरी जानकारियां मिली होंगी। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।